हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे एक्शन चैनल। माय नेम इज़ राइश पासवान और आज की जो वीडियो है वो है सिनौली जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है और आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि मिस्टर मनोज वाजपेयी जो एक बहुत अच्छे एक्टर है और पर्सनली मुझे भी वो काफ़ी जो है पसंद है। किसी ने उनकी गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी है? कोई है कोई? अगर अगर आप में से किसी ने भी नॉर्थ में आके कॉलेज में हॉस्टल में रहे हो तो जरूर देखी होगी भाई। हॉस्टलर्स क्या, तो मतलब उनको तो दिखाई देते हैं दोस्त आसपास के बोल के ना, भाई वो देख मूवी मूवी बहुत सही है। तो उन्होंने उस मूवी में इन्होंने बहुत सही काम किया था, मुझे बहुत जो पसंद था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत सही थे। और थोड़ी ना देखना, अगर किसी ने नहीं देखी तो आएगा मज़ा। ओके सो और हमें पहले ही बता दूं कि वो मूवी जो है उसमें थोड़े से कस वर्ड अब्यूज़ का इस्तेमाल है, तो अपने हिसाब से भाई देख लेना। थोड़ा दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर टाइप का। सो अब अगर इस वीडियो पे जो है बात करते हैं, तो ये वीडियो सिनौली पे है। सिनौली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पता नहीं बहुत अच्छी डिस्कवरी कुछ हुई हैं और उसी पे एक डॉक्यूमेंट्री जो है मनोज वाजपेयी ने मतलब उसमें काम किया, जो डॉक्यूमेंट्री सिनौली पे बनी है, तो बस उसी पे ये जो है वीडियो है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके बारे में और जानने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ जो है जानते हैं, आपको भी जो है मालूम पड़ जाएगा कि क्या है मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट क्या है और वो न्यूज़ में क्यों है इतनी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज कल पता नहीं क्या हो रहा है मुझे यार, ठीक से अब मैं बोलता सोचता कुछ हूँ और बोल कुछ और ही देता हूँ, जो भी है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सिनौली आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। अब वैसे तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई है बिकॉज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री दैट डिस्कवरी हैज मेड। तो डिस्कवरी पर मनोज वाजपेयी जी ने इसको नरेट करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो काफ़ी अच्छी है। मैंने भी इसका ऐड देखा था और कल मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी रात को, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा क्यों ना इस पर जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को मैं मेंशन करते हुए आपको ये बताऊँ। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है सिनौली की, यहाँ पर क्या डिस्कवरीज करी गई हैं, क्या यहाँ पर खोज हुई हैं, क्या आइटम्स मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो कोर्स घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए studyiq.com पर कुछ फ्रेंड्स ने ले रखा है, तो तैयारी कर रहे हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल। मैं भी वीडियोस। अब एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये यूनेस्को द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये यूएस की सरकार चलाती है, या फिर ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के बी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब हम आते हैं सिनौली पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली नाम की एक डॉक्यूमेंट्री या वेब शो रिलीज किया गया है डिस्कवरी प्लस के द्वारा, और ये एक्चुअली में बेस्ड है सिनौली नाम का एक गाँव है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, वहां पर हुए ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के ऊपर। अब सिनौली की जो साइट है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो हमें वेपन्स मिले हैं वो दर्शाते हैं कि यहाँ पर एक वॉरियर क्लास थी जो लगभग आज से 4000 साल पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, विच वॉज पैरेलल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरेलल में यहाँ पर एक वॉरियर क्लास एग्जिस्ट कर रही थी। सिनौली की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो अगर आप नई दिल्ली को जूम इन करें तो यहाँ पर दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है सिनौली। यमुना नदी ये बह रही है, यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये साइट स्थित है। ये गंगा नदी यहाँ पर बह रही है, तो बेसिकली जो गंगा यमुना रिवर का जो बेसिन है, दोआब रीजन है, उसमें ये सिनौली साइट सिचुएटेड है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जैसे कि पानीपत है, कुरुक्षेत्र है,
और यहाँ पर हस्तिनापुर वाली जो साइट है वो भी इसी एरिया में आती है। तो ये सारी जो साइट है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए गए हैं और बहुत तरह की पॉटरीज यहाँ पर मिली है। अब सिनौली में कौन सा कल्चर है, कौन सी पॉटरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है सिनौली नाम का ये गांव, बागपत डिस्ट्रिक्ट है ऑफिशियली यूपी का। अब सिनौली की खास बात यह है कि यहाँ पर एक्सकेवेशन हस्तिनापुर या दूसरी साइट्स की तरह 50-70 सालों से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर एक्सकेवेशन शुरू हुए थे 2004 के आसपास, क्योंकि तब वहाँ पर किसानों को अपने खेतों में हल जोतते समय कुछ पॉटरी मिली थी। तो जब उनको कॉपर ऑब्जेक्ट्स और पॉटरीज मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया, फिर उससे बात एएसआई तक पहुंची। तो एएसआई ने 2004-05 में यहाँ पर पहली बार एक्सकेवेशन शुरू किया। तो अगर हम हिस्ट्री के या आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो ये काफ़ी रीसेंट साइट है, यहाँ पर काम केवल 15 साल पहले शुरू हुआ है। तो 2005 और 6 के सीजन में यहाँ पर जब खुदाई करी गई एएसआई के द्वारा तो यहाँ पर बहुत सारे बैरियल साइट्स मिले, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे दफनाए हुए कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले। तो इसको एक नेक्रोपोलिस की तरह उस समय प्रमोट किया गया या फिर इसको नामकरण कर दिया गया कि ये तो एक नेक्रोपोलिस है, यहाँ पर केवल हमें मरे हुए लोगों के बैरियल्स मिल रहे हैं, तो ये बैरियल साइट कहलाई जाने लगी। और ये चालकोलिथिक एज है, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज जिसे हम कहते हैं, जो आयरन एज से पहले आई थी, ये उस समय की साइट है। इसकी जो टाइमिंग है जो अभी तक हमें पता चली है वो है 2000 BC, यानी कि आज से 4000 साल पहले, एंड उसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक 2000 to 1800 BC के बीच का टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है। और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कार्बन डेटिंग के कारण। तो उस समय पर जो ये बैरियल्स हैं ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइट रहा होगा, इसीलिए इतने सारे यहाँ पर बैरियल साइट्स देखे गए। तो इसको इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस ऑफ चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। कई जगह आप इसको लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस के रूप में भी देखेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये चालकोलिथिक पीरियड का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस है। अब ये जो बैरियल्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इतने सिंपल नहीं है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़े से डिफरेंट है। कैसे, देखो, एक तो यहाँ पर ऐसे ताबूत मिले हैं जिनके पाँव हैं, पाँव यानी कि इस तरह के स्टैंडिंग लेग्स हैं जिन पर ये ताबूत टिके हुए हैं। और ये पूरी बैरियल साइट है जिसमें आप देखिए कई तरह के पॉटरीज हैं जो इस व्यक्ति के साथ, इस इंसान के साथ दफनाए गए हैं। तो ना केवल यहाँ कंकाल है बल्कि इन कंकालों के साथ कई तरह की पॉटरीज हैं, कई तरह के ब्रॉन्ज या फिर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को जब यहाँ पर देखा गया, अच्छे से एग्जामिन किया गया, तो ये पाया गया कि इनमें से कई ऐसे हैं जो लड़ाई में काम आते हैं, जो वॉरियर्स के काम में आते हैं। तो इसीलिए इन कई स्केलेटन्स को ये बताया जा रहा है कि ये शायद किसी महान वॉरियर के बैरियल साइट्स हैं, इसीलिए इतनी बड़ी बैरियल साइट है और इतने सारा इसमें ध्यान दिया गया, इतनी मेहनत से इन्हें दफनाया गया। तो इन लेगेड कॉफिन्स के नीचे कई जगहों पर अंडरग्राउंड चेम्बर्स भी देखे गए हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर वास, बोल, पॉट्स, ये सब इन टूम्स में इन कॉफिन्स के साथ दफनाए गए। कई सारे पॉट्स में चावल देखा गया, राइस देखा गया, जो इनके साथ ही दफनाया गया था। और एक कॉफिन तो ऐसा था जिसमें कई सारे फिगर्स बने हुए थे, डिजाइंस बनी हुई थी जो एंथ्रोपोमॉर्फिक हैं, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले फिगर्स हैं। तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आर्ट भी था, सम काइंड ऑफ आर्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। अब ये जो बैरियल्स हैं इनकी खास बात यह है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते जुलते ना होकर जो वैदिक कल्चर है उसमें बताए गए रिचुअल्स से मिलते जुलते हैं, यानी कि जो वैदिक कल्चर था उसमें जो बातें बोली गई हैं, आपको ये पता ही होगा कि वेद जो हैं वो ओरली ट्रांसमिट होते थे, लिखे नहीं गए थे। तो वहाँ पर जो रिचुअल्स बताए जाते हैं उनसे ये सारे सिमिलैरिटी दिखाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। और कई जगह ऐसे भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं इस सिनौली साइट पर, जहाँ पर कपड़े को कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था बॉडीज़ को लपेटने के लिए या फिर उनके प्योरिफिकेशन ऑफ कॉर्प्स के लिए, जो आज के हिंदू रिचुअल्स से काफ़ी मिलता जुलता है। अब 2005-06 में जब यहाँ पर ये डिस्कवरीज हुई तो उसके बाद एक बार काम रोक दिया गया। देखो, कोई भी साइट होती है वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, बजट चाहिए। तो मे भी उस समय बजट वगैरह नहीं होगा, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली क्यों नहीं आगे ये डिग करा गया, लेकिन अक्सर 2-4 साल 5 साल तक ये एक्सकेवेशन चलते हैं। लेकिन 2 साल बाद ये एक्सकेवेशन एक बार रुक गए और इनमें इंटरेस्ट भी ASI का कम हो गया। लेकिन 2018 में फिर से इंटरेस्ट जागा, क्योंकि फिर से कुछ किसान अपने हल जोत रहे थे और फिर से कुछ उनको ऑब्जेक्ट्स मिले, और इस बार अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स थे। तो फिर से यहाँ पर 2018 में एक्सकेवेशन किया गया बड़े स्तर पर, 2018-2019 दोनों सालों में चला था, और इस बार इन 2 सालों में और नए ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। इस बार खासियत ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार मिले, हथियार। तो इन हथियारों में सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह की तलवारें। तो ये तलवारें जो हैं ये कई जगहों पर मिली हैं, कई बैरियल साइट्स में भी मिली हैं। उसके अलावा एक रथ मिला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर चैरियट यानी कि रथ है, आगे उसकी फोटो दिखा दूंगा। तो स्वॉर्ड्स में भी खासियत ये है कि एंटीना स्वॉर्ड मिली है, इनको एंटीना स्वॉर्ड कहा जाता है क्योंकि इनमें इस तरह के ये 2 एंटीना निकल रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर सर्कल करके बताया है, तो इसीलिए इन स्वॉर्ड्स को एंटीना स्वॉर्ड्स कहा जाता है। और कंकाल तो हैं ही, बहुत सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं।
तो ये वाला जो सेकेंड फेज था एक्सकेवेशन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताई जा रही है एक रथ का मिलना, एक चैरियट मिला था जिसमें एक फिक्स्ड एक्सल है, और ये जो टेक्नोलॉजी है फिक्स्ड एक्सल वाली, ये मॉडर्न जो चैरियट्स होते हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है उस समय के अनुसार। अब शुरुआत में ये कहा गया था कि शायद ये चैरियट बैलों के द्वारा खींचा जाता होगा, लेकिन बाद में अब ये प्रूव हो चुका है कि ये बैल नहीं बल्कि घोड़ों के द्वारा, हॉर्सेस के द्वारा खींचा जाता था। तो यहाँ पर ये जो एक्सकेवेशन हो रही है जिनके अंडर में एएसआई के ये इस डिग के हेड हैं, इन्होंने इसका एक चार्ट बनाकर यहाँ पर रखा है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है ये पूरा वो चैरियट है। तो ये वो चैरियट है जो मिला है, इसके अंदर कॉपर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो कॉपर के बने हुए हैं, और एक रफ डायग्राम जो बनाया गया है ये ऐसा है। अब इस चैरियट में इसकी विप भी मिली है, विप आप समझते हैं जिससे घोड़ों को मारा जाता है कि थोड़ा सा तेज चलो, उस तरह की विप भी यहाँ पर मिली है, और कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी इसको यूनिक बनाते हैं। तो इस रथ और इन स्वॉर्ड्स का मिलना ये बताता है कि यहाँ पर एक वॉरियर ट्राइब रही होगी, और वॉरियर ट्राइब जो है इसका मतलब है कि ये लड़ाई में काफ़ी पारंगत थे। आपको पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कहीं पर भी हथियार नहीं मिलते, ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इन दोनों कल्चर्स के को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अभी तक ये माना जाता था कि ये जो नॉर्थ इंडिया की जितनी भी पॉटरी वाली साइट्स हैं, ओसीपी साइट्स हैं, ऑकर कलर्ड पॉटरी, ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डीकेइंग स्टेज था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने खात्मे की ओर थी, अपने मैच्योर फेज से आगे बढ़ चुकी थी, उस समय ये कल्चर्स आए थे। लेकिन यहाँ पर अगेन वेपन्स की इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन इस साइट में जो वेपन्स डिस्कवर हुए हैं उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर फीमेल वॉरियर्स भी देखी गई हैं, कई सारे फीमेल स्केलेटन डिस्कवर हुए हैं, उन महिलाओं के साथ भी स्पोर्ट्स दफनाई गई थी, जो डेफिनेटली ये बताता है कि ये एक फीमेल वॉरियर कल्चर भी था। यहाँ पर महिलाएं भी शस्त्र उठाकर लड़ाई लड़ती थी, और इतने हथियारों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये एक वॉरियर ट्राइब थी। एक और खास बात है कि यहाँ पर जो महिलाओं के कंकाल मिले हैं उनमें पाँव कटे हुए हैं, पाँव कहाँ से, एंकल से, यानी कि बिल्कुल जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा है वो हटाकर उन्हें दफनाया गया है। इस तरह के कई कंकाल मिले हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी तक समझ नहीं पाए हैं हिस्टोरियंस भी, तो उस पर और अभी शायद रिसर्च होगा, तब मैं आपको बता दूंगा जब भी ये निकलेगा इसका निष्कर्ष। लेकिन इनका एंकल्स जो है वो कटा हुआ है महिलाओं का, तो ये फीमेल्स के साथ भी जब स्पोर्ट्स मिली हैं तो डेफिनेटली ये बताता है कि यहाँ पर एक बड़ा किंगडम भी रहा हो सकता है, इसीलिए इनको लड़ाई की जरूरत होती होगी, इसीलिए वॉरियर ट्राइब थी। और ये रीजन क्योंकि बहुत फर्टाइल है, गंगा जमुना वाला जो दुआब रीजन है, इट इज़ वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है वहाँ पर किंगडम्स बन सकते हैं। अब ये वाला जो कल्चर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा सा अलग है, इंट्रैक्शन डेफिनेटली था लेकिन ये लेट मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर से थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर जो पॉटरी मिली है वो है ऑकर कलर्ड पॉटरी, ओसीपी इसको कहा जाता है। अब ओसीपी कई साइट में मिली है, जो ये गंगा यमुना वाला जो बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में, इसमें ओसीपी हमें कई जगह देखने को मिला है। ये वाला जो है आप ओसीपी का पूरा एरिया देख सकते हैं ऑकर कलर्ड पॉटरी का। तो ये ओसीपी कल्चर जो है इसमें हथियार इतने कहीं पर नहीं मिले हैं सिवाय सिनोली के, इनफैक्ट सिनोली इज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस जहां पर ब्रॉन्ज के हथियार हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अभी तक क्या माना जाता था, ट्रेडिशनल जो नॉलेज थी हिस्ट्री की वो ये थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डीके होना शुरू हुई, यहाँ पर जब बाढ़ आई या फिर अकाल पड़ना शुरू हुआ या फिर नदियों का पैटर्न चेंज हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ से लोग इंडस वैली को छोड़कर गंगा यमुना वैली की तरफ आ गए। लेकिन अचानक से वो वॉरियर ट्राइब में कैसे आ जाते हैं, तो अभी ये हाइपोथेसिस है जो काफ़ी अब मान्यता प्राप्त करती जा रही है कई हिस्टोरियंस के बीच में कि ये एक पैरेलल कल्चर था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर अलग था और ये एक पैरेलल अलग कल्चर था। और ऐसा है कि देखो क्योंकि यहाँ पर कई रिचुअल्स वैदिक कल्चर से मिलते जुलते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि देवर मोर क्लोज टू द वैदिक कल्चर। तो अभी तक दोनों के बीच में एक लिंक अच्छे से जुड़ नहीं पाया था, तो मे बी शायद ये वो लिंक हो सकता है। लेकिन अभी आप एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि ये वो लिंक है, जब तक ये हिस्टोरियंस कह नहीं देते अपनी तरफ से तब तक हम अभी तक इस पर लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो आप मेंस में कहीं आंसर में ये चीज़ मत लिखना अभी। तो ओसीपी कल्चर आपको पता होना चाहिए, ऑकर कलर्ड पॉटरी वाला जो कल्चर है। 2018-19 में यहां से जो ऑब्जेक्ट्स निकले थे उनकी कार्बन डेटिंग करी गई, और कार्बन डेटिंग के नतीजे फरवरी 2020 में आ गए थे, उसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड एस्टैब्लिश हो गया, 3800 साल पुराने ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि 1800 BC। तो इसीलिए जो पहले अंदाजा था वो बिल्कुल सही था, 2000 टू 1800 BC के बीच का अनुमान लगाया गया था हिस्टोरियंस के द्वारा, तो वो बिल्कुल सही है, 3800 साल पुराने यहाँ के ऑब्जेक्ट्स थे अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग। और ये कार्बन डेटिंग कहाँ पे हुई थी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ, नाम याद रखिएगा। ये बीरबल साहनी कौन है जानते हैं आप, कमेंट में कोई मुझे बता सकता है कि बीरबल साहनी क्या थे, किस फील्ड में अग्रणी थे?
तो यहाँ पर C14 डेटिंग टेक्निक थी। उसके अलावा कुछ ह्यूमन रिमेन्स को डेक्कन कॉलेज पुणे में भी ऑब्जर्व किया गया। डेक्कन कॉलेज और जो फर्गसन कॉलेज है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिसर्च में भी काफ़ी अग्रणी है। उसके अलावा DNA सैंपल्स को हैदराबाद की लैब्स में भी टेस्ट किया गया। कार्बन डेटिंग के नतीजे आने के बाद, इस साइट की इतनी इंपॉर्टेंस डिक्लेयर होने के बाद, फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह घोषित किया कि ये साइट अब एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाली साइट है और इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। तो अब 28 हेक्टेयर का ये एरिया सेंट्रल प्रोटेक्शन में ले लिया गया है। अब यहाँ पर ASI इसकी देखरेख करेगा और केंद्र सरकार के और जो ये वाले कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अभी जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स निकले हैं वो दिल्ली के ASI इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में रखे गए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, मेनली ये भारत, उत्तर भारत में कई जगह प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी साइट हैं उनके आसपास आबादी है। अब लोग वहाँ से हटना नहीं चाहेंगे या फिर कौन अपनी पुरानी पुश्तैनी ज़मीनों को छोड़कर आर्कियोलॉजी के लिए देना चाहेगा? कई लोग देना चाहेंगे लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस उन्हें अच्छा कॉम्पेंसेशन नहीं मिले। तो अभी भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन साइट्स को, जैसे कि राखी घड़ी भी है उसके आसपास भी पॉपुलेशन है, तो इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करके फिर आर्कियोलॉजिकल काम आगे बढ़ सकता है। अब इस साइट की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं वो लेट मैच्योर हड़प्पन एरा से हैं। तो अभी तक ये जो लेट हड़प्पन एरा था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, उसके एग्जैक्ट टाइम पीरियड से लेकर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के बीच के जो लिंक्स हैं वो इतने ज़्यादा हमें मिलते नहीं नॉर्थ इंडिया में। तो अब ये वाला जो एक लिंक है ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है, लेकिन ये कुछ नए सवाल भी खड़े करता है कि ये जो चैरियट है, ये जो हथियार हैं, ये कैसे आए? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में और कहीं पर हमें हथियार नहीं मिलते हैं। तो देवर नॉट अ वॉरियर ट्राइब, लेकिन ये एक वॉरियर ट्राइब थी, तो इसका क्या लिंक है? क्या इंडस वैली से लिंक्ड है या नहीं? या फिर कई हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल पैरेलल कल्चर चल रहा था। तो ये वॉरियर क्लास या वॉरियर ट्राइब जो है ये पैरेलली कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, कितने एरिया पर रूल करती थी, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, उस पर अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। लेकिन ऑलरेडी कई हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये जो अर्ली वैदिक या अर्ली हिंदू कल्चर है उससे रिलेटेड ये साइट हो सकती है। फाइनली मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा बी। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो है ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनेस्को के साथ काम नहीं करता है, ना ही ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ प्राइवेट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। भाई सही में यार बहुत सारी जो है मतलब इंफॉर्मेशन मिली और मैं भी बड़ा शौक था यार ये सुनकर कि वहाँ हथियार मिले हैं। वरना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, मुझे पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास मतलब वहाँ पर हथियार थे ही नहीं, वहाँ के लोग बड़े पीसफुल थे क्योंकि वो हथियार वगैरह कुछ रखते नहीं थे। एक भी हथियार नहीं मिला वहाँ से, एक भी, मतलब इतनी जगह जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में भी जो है मतलब वहाँ तक फैली हुई है, कुछ 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 तो अफगानिस्तान तक भी है उसके साइट। तो उतने बड़े एरिया में कहीं पर भी हथियार नहीं मिले, यानी वो बड़े पीसफुल टाइप के लोग थे। और ये वाली जो नई आई है सिनोली, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हड़प्पन साइट से, और इनके पास हथियार थे, रथ थे, और रथ जो कि मतलब वो भी इतने एडवांस टाइप के, वो ना व्हील व्हील अटैच था ऐसा पता नहीं माना जाता है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, कि ये वाला जो वीर वाली और रथ वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप की थी आई थिंक, पता नहीं मैं सही हो कि नहीं पर मैंने सुना है ऐसा। पर अब इससे प्रूव हो रहा है कि नहीं नहीं वो इंडिया में थी पहले। भाई मतलब अभी कितना कुछ है भाई, अब अगर हम पूरे इंडिया को जगह जगह से छान मारें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा कल्चर जो है कितना एडवांस था पहले, ठीक है, और कितना डेवलप था, और सिर्फ मतलब वो टेक्नोलॉजी वाइज नहीं सोशली भी, क्योंकि फीमेल वॉरियर्स थे भाई फीमेल। और मैंने बहुत बाहर पढ़ा है ये कि जो हमारा जो था ना अर्ली जो हमारा कल्चर था मतलब जो बहुत पहले का, तो उसमें ना फीमेल्स को एकदम पूरी फ्रीडम थी। और जो ट्राइबल कल्चर होता है, ठीक है, आप मानते होंगे कि ट्राइबल कल्चर में भी फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब उनका होता है रोल, उनको मतलब इक्वालिटी जो है वहाँ पर मेंटेन होती है, जितने मेल्स के पास राइट होते हैं फीमेल्स के पास भी होते हैं। और अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ें जो है मतलब बहुत पहले की, करीब 2000-3000 साल पहले की, तो फीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बाद में जब फॉरनर्स इंडिया में आए, कह सकते हैं कि जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था
तो उसके बाद से ये, और मुस्लिम इन्वेजन से भी बहुत पहले जब ग्रीक्स आए थे, पता नहीं, हाँ आई थिंक ग्रीक्स आए थे, तो तब उसके बाद से थोड़ा बहुत जो है ये वाला जो है ना चेंज होने लगा, कि फीमेल्स का थोड़ा मतलब उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई, उनको ऐसे वॉर वूर और मतलब घर के जो होते हैं ना काम, वहीं तक वो धीरे धीरे सीमित हो गई। तो इससे भाई मुझे यकीन हो गया है कि जो हमारे बहुत पुराने जो पूर्वज थे वहाँ पर वो वाला जो है कल्चर सोशली काफ़ी डेवलप था, फीमेल्स को बहुत सारे राइट्स थे। इवन मैंने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है और मैंने बहुत बार पढ़ा है कि ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो लीड करती थी, मतलब अपने वो घरों को या फिर जो अपने कबीलों को। और फिर धीरे धीरे जब फॉरनर्स आए तो वो थोड़े से क्या बोल सकते हैं कि मतलब वो थोड़े ऐसे थे कि नहीं, मेल को लीड करना चाहिए, फीमेल को नहीं करना चाहिए। तो वो वाला कल्चर फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया, और मुगल जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ फिर तो आ ही गया, क्योंकि मुस्लिम्स का जो होता है कल्चर वो तो है कि मतलब फीमेल्स को वो पर्दे में वो रहना चाहिए और वो सब। तो मैं देखो मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मतलब कोई मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस वो जो फैक्ट्स हैं मैं बस वो बता रहा हूँ। हैं ऐसा तो होता ही है ना, मतलब अगर आप पुराना कल्चर देखो तो मुस्लिम्स जो औरतें होती हैं उनको पर्दे में रखा जाता है, तो जब इंडिया में वो आए और काफ़ी मतलब उनको मतलब अपना उन्होंने जो है एम्पायर यहाँ पर सेटअप किया, तो धीरे धीरे यहाँ का जो है कल्चर भी वैसा ही हो गया। और ये 1800 BC के आसपास की जो है इसमें डेट बताई थी ना, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, पता नहीं शायद किसी को जो है पता नहीं पता कि हम अपना जो जो टाइम है वो हम मेजर करते हैं जीसस क्राइस्ट के जो है वो बर्थ से, कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उस साल को हम लेते हैं 0, ठीक है। तो यानी 1800 BC यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी 1800 साल पहले। तो इतना पुराना हिंदू कल्चर है हमारा भाई साहब, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ यार कि हमारा कल्चर इतना पुराना है। और मतलब कोई भी कल्चर इतना पुराना शायद ही होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं है, हिंदू कल्चर सबसे पुराना है। इस्लाम भी करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ था, और क्रिश्चियंस मतलब जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि जीसस का इसका बर्थ भी 2000 साल पहले हुआ था। तो और कोई रिलीजन, सिखिज्म तो बहुत नया रिलीजन है, उसको तो सिर्फ 500 600 साल ही हैं हुए। बुद्धिज़्म कब से शुरू हुआ था मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि बुद्धिज़्म हिंदुज़्म का ही पार्ट था पहले, ठीक है। गौतम बुद्ध एक हिंदू थे, फिर उनकी मतलब फिर उन्होंने अपना जो है आइडियोलॉजी उनकी थी, मतलब एक अपने उनके व्यूज़ थे, तो धीरे धीरे करके वो एक अलग सा धर्म बन गया। अगर कोई प्लीज़ मुझे कट कर देना, ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ मतलब ऐसा बोल रहा हूँ ना कि नहीं, मैं कुछ गलत फैक्ट दे रहा हूँ, तो क्योंकि बुद्धिज़्म को हिंदुज़्म का पार्ट ही माना जाता है। हम गौतम बुद्ध को जो है पूजा करते हैं हम भी, और उनको विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, और जैनिज्म उन्हें अपना मानते हैं। मतलब बहुत सारा कंप्लेक्स है, मुझे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जितने भी रीजन को जानता हूँ कोई भी हिंदुज़म से पुराना नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा आप सॉरी आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो लेक्चर देना शुरू शुरू कर दिया। ओवरऑल मैं वीडियो देख के बड़ा वो हो गया था, मतलब बड़ा खुश सा हो रहा हूँ कि भाई इतना पुराना कल्चर है मेरा, थोड़ा थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। बाकी गॉड इज़ वन, हमको तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी एक ही रास्ता दिखाते हैं भगवान के तक का, ठीक है। तो अब इसी नोट पे वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, बाय, टेक केयर।